नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल वर्कशॉप टाइमलाइन पे। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। टोटल 8000 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष महिला। यहाँ पे मैक्सिमम आयु जो रखा गया दोस्तों 57 साल रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है और आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली के डेली बेसिस पे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बता दूँ जो भी वैकेंसी आया है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी गवर्नमेंट जॉब टाइमलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा आर्मी स्कूल रिक्रूटमेंट 2020। जैसे आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा आर्मी स्कूल रिक्रूटमेंट 2020। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से, टोटल 8000 प्लस यहाँ पे टीचर पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो रखा गया दोस्तों यहाँ पे आपका 20 अक्टूबर को रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन एडमिट कार्ड, तो 4 नवंबर तक आ जाएगा टेंटेटिव बताया गया है। और आपका जो एग्जाम होगा 21 से लेकर 22 नवंबर 2020 को होगा। यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा 2 दिसंबर को आएगा, यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें 8000 पोस्ट है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा है दोस्तों, पीजीटी टीचर के लिए बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, और टीजीटी के लिए दोस्तों बीएड एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, पीआरटी के लिए बीएड 2 ईयर्स डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। एज लिमिट की अगर दोस्तों बात करें, फेसर के लिए यहाँ पे बिलो 40 साल रखा गया है, और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस के लिए तो बिलो 57 साल रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें सी टेट, टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग चेक। यानी कि दोस्तों आपके पास अगर सी टेट या तो कोई स्टेट का स्कोर कार्ड नहीं है तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा बेसिक ऑन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू एंड इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो दोस्तों एग्जाम होगा यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी के लिए, पेपर 1 में यहाँ पे पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटेलिटी एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, यहाँ पे 90 मार्क्स, यहाँ पे 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। पार्ट बी में आपका स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यहाँ पे 90 मार्क्स, टोटल 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। पीआरटी के दोस्तों यहाँ पे पार्ट ए में पीआरटी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, यहाँ पे 90 मार्क्स, यहाँ पे आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा, यहाँ पे आपका देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आप एक गलत करोगे तो आप उसके लिए 0.25 मार्क्स आपका कटा जाएगा। द कैंडिडेट शुड स्कोर ए मिनिमम 50% मार्क्स, आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे टेस्ट को। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको जो बताया गया है डेट में यहाँ पे, इसी डेट में आपको आ जाएगा टेंटेटिव डेट 21 से लेके यहाँ पे आपका 4 नवंबर 2020 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट जो भी यहाँ पे डेट में बताया टेंटेटिव डेट में, उसी डेट में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया आर्मी पब्लिक स्कूल के टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का स्कोर कार्ड जो होगा, ये आपका दोस्तों स्कोर कार्ड आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, 3 साल का इसका वैलिड रहेगा। उसके बाद दोस्तों बताया कि एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई द पोस्ट थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, या ऑफिशियल वेबसाइट को लिंक आपको दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो 20 अक्टूबर से पहले। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन फी की, तो ₹500 रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।